हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप कहीं जा रहे हैं और वापस लौटते लौटते रात हो गई। अब एक सुनसान जगह पे आपकी कार भी खराब हो गई। आप पैदल ही उस रास्ते से होकर वापस आ रहे हैं। देखते देखते चांद न जाने कहां खो गया। चारों तरफ घुप अंधेरा ही अंधेरा हो गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा है। तब आप मन ही मन में अपने भगवान को याद कर लेते कि ये भगवान किसी तरह से घर तक पहुंचा दे। तभी अचानक एक लड़की सामने आ गई, सफेद कपड़े पहने हुए, और आपकी आंखों के सामने वो सड़क पार कर रही है। वो इधर उधर कहीं देख नहीं रही है, सिर्फ सामने देख रही है। और उससे भी डरा देने वाली बात यह है कि वो चलकर नहीं जा रही है, वो हवा के ऊपर लहराते हुए सड़क पार कर रही है और आपके मुंह से जोर से चीख निकलती है। तब आगे नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आगे कहानी और भी डरावनी है। आवाज कैसी? आवाज यहां से तो नहीं आ रही है। मम्मी। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो बाहर। बाहर क्या है? बाहर कुछ भी तो नहीं। मैंने बाहर एक आत्मा देखा। आत्मा? भूत? लड़की की आत्मा। अदिति, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे ये सब आत्मा की कहानी मत पढ़ने दिया करो, इससे बच्चे के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। पापा, आत्मा थी वहाँ अभी अभी। बेटे, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सपना नहीं था मम्मी। देखो बेटे, अभी रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। अब मैं सीआरडी को जाके बताऊंगा। हाँ कावेरी, मुझे याद है, फ्रेडी सर और उनकी गर्लफ्रेंड। ए, मैं जब भी सोचती हूँ मुझे इतनी हंसी आ जाती है। एक मिनट बेटा, बेटा एक मिनट। अरे दया सर नहीं है, मेरे से बात करो। मुझे दया सर से ही बात करनी है। दया सर। क्या हुआ? मुझे दर्शन से मिलना है। तुम कौन हो? मेरा नाम तरन है। बेटा तरन, जब मैंने तुमसे कहा रुको तो रुकना चाहिए था ना। मुझे दर्शन से मिलना है। मैं क्या दया सर से कम हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? आप आत्मा से लड़ सकते हो। ये क्या है? अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं है मेरे सामने। मैं तो क्या फिर? कुछ नहीं सर। सर, बच्चा डरा हुआ है, मैं जरा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। आप दया सर है ना? हाँ बोलो। मुझे सीआईडी की मदद चाहिए। तुम्हें हमारी मदद चाहिए? अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा? तरन। तरन, बड़ा प्यारा नाम है। चलो बताओ
क्या बात है? मेरे घर के बाहर एक आत्मा है। आत्मा है? तरण, कहीं तुम वीडियो गेम तो नहीं खेल रहे थे? नहीं, मेरे घर के बाहर रात को एक आत्मा घूमती है, मैंने खुद देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुमने अपने मम्मी डैडी को नहीं बताया? बताया था। फिर? वो मेरी बात मान ही नहीं रहे। दया सर प्लीज आप चल के देखो ना प्लीज। तरण बेटा ऐसा कोई चला जाता बिना बताए? तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था स्कूल से, उन्होंने मुझे बताया आज तुम स्कूल ही नहीं गए। तुम्हें पता है हम सब लोग कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए, और ये सब आज पड़ोस वाले लोग तुम्हें ढूंढने के लिए जाने वाले थे। सॉरी मम्मी। आई एम सो सॉरी। तरन की वजह से आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ अंकल, वो आत्मा है, रात को आती है। फिर वही? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रेडी और मैं आज रात यहीं पे रुक जाते हैं। यहाँ पे? हाँ, हो सकता है कोई और ही बात हो, आत्मा के बहाने कोई आप लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहता हो। नुकसान? हाँ अंकल, आत्मा चुपचाप चली जाती है। बेटा पहले देखे तो सही वो है कौन। सर कुछ दिखा अभी तक? नहीं सर, मैंने कहा था ना कोई भी नहीं होगा। फिर भी एक बार देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मनोज। हाँ। तरण को आज रात तुम अपने कमरे में सुला देना, यहाँ सोना ठीक नहीं होगा। ठीक है। फ्रेडी तुम यही रहो, नजर रखना, सो मत जाना। हाँ ऐसे माहौल में नींद कहाँ से आई? ओह माय गॉड, किन से हुई आवाज? मैंने कहा था ना फ्रेडी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं। ये कोई लड़की है जो रात को निकलती है वॉक करने के लिए। लोग सुबह को वॉक करते हैं, ये रात को वॉक करती है। जाके पूछता हूं उसे, तू रात को क्यों निकलती है? मैडम कौन है आप? रुक जाइए मैडम, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। ये धमकी देने से भी नहीं रुक रही है। मैडम रुक जाइए, मैडम मैं सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हूं। अरे ये कहां जा रही है? पेड़ के पीछे चली गई। गायब कहां हो गई? क्या हुआ? वो चीखने की आवाज़ सर। अरे मैंने देखा है सर उसे, मैंने देखा है। किसे? वो आत्मा, इसे आत्मा पेड़ के पीछे गायब हो गई। आत्मा पेड़ के पीछे गायब हो गई? हाँ। वो चीखने की आवाज किसकी थी? आत्मा की। फ्रेडरिक होश में आओ, होश में आओ। सर अब तो मैं बिल्कुल होश में हूँ सर, लेकिन उस वक्त मैं... तुम बिल्कुल होश में नहीं हो, समझे? मैं होश में हूँ सर, मैं होश में हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सर, वो लड़की इतनी जोर से चीखी कि मैं... फ्रेडरिक
मुझे तो लगता है सिर्फ तुमने ही सुनी है वो चीख। सर आप चाहे तो दया सर से पूछ लीजिए। ठीक है दया, ये क्या कह रहा है? सर चीखने की आवाज मैंने भी सुनी थी। तुमने भी आवाज सुनी? तो शायद यहाँ कुछ था जरूर। वो लड़की थी यहाँ पे सर। अरे थी तो फिर गायब कहाँ हो गई? फ्रेडी तुम कह रहे थे कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो फिर क्या है ये? अरे सर आप तो मेरी बातों पे विश्वास रखो सर। अरे मैंने मैंने उस लड़की को देखा है सर। वो लड़की इस पेड़ के पीछे से गायब हो गई थी सर। पेड़ के पीछे से गायब हो गई है? अरे फ्रेडी पीछे जाके कहीं आसपास छुप गई होगी। सर मैं बोल रहा हूं ना। फ्रेडरिक अभिजीत सर ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही हुआ होगा समझे। इस पेड़ पर चढ़ना इतना आसान काम नहीं है। गई कहां होगी? सर मेरा पैर फंस गया। ये हड्डी, ये तो किसी इंसान की हड्डी लग रही है। सर ये उसी लड़की की हड्डी है सर, उसी आत्मा की, तभी तो वो यहाँ से गायब हुई है सर। ये हड्डी तो बहुत पुरानी लगती है, शायद यहाँ और भी हड्डियां हो सकती है। खोद कर देखो यहाँ पर। अगर हमें मालूम होता कि यहाँ पे किसी की हड्डियां मिलेंगी तो हम यहाँ पे कभी नहीं आते। अब तो सब कुछ सही लग रहा है, शायद शायद वो आत्मा वाकई में। जरा संभाल के। सर ये हड्डियां असली है। तो इसका मतलब है अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये हड्डियां है किसकी और ये आई कैसे यहाँ पर। डॉक्टर तारिका ये हड्डियां एक ही आदमी के हैं या एक से ज्यादा है? एक ही इंसान की है ये हड्डियां, और वो भी औरत की। ये देखिए इसका पेल्विक बोन चौड़ा है। वैसे डॉक्टर तारिका ये हड्डियां कितनी पुरानी है? सर अब ये अभी बताना तो मुश्किल है, फिर भी शायद 15-20 साल पुरानी हो सकती है। आपको इन हड्डियों के बारे में कुछ पता? नहीं सर, आप लोग यहीं आसपास ही रहते हैं ना? जी हम यहीं पास में रहते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन लोगों से पहले यहाँ पे कौन रहता था? नहीं सर, हम में से इसके बारे में किसी को नहीं पता। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें तो बस 2 महीने हुए यहाँ पे आए हुए। बड़ा डर लग रहा है इन हड्डियों को देख के। आपसे पहले इस मकान में कौन रहता था? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा आपने ये मकान किससे खरीदा था? सीमंत रियल एस्टेट डीलर से। सीमंत रियल एस्टेट डीलर। आइए। हाँ दया। सर ये है सीमंत। तो ये है सीमन जी? जी। क्यों सीमन जी, ये आत्मा उत्मा का क्या चक्कर है, है? कहां से आ गई आत्मा? ये आत्मा मैंने ही लाया सर, ये तो पहले से ही वहां पे है। देखो ये आत्मा उत्मा का नाटक छोड़ो समझे, तुम क्या उन लोगों को वहां से भगाना चाहते हो? सर मैं क्यों भगाऊंगा उन्हें, मैंने तो पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने गले से फंदा निकाला है। कोई बंगलो खरीदने को तैयार ही नहीं था, पूरे 7 साल के बाद बड़ी मुश्किल से बिका है। अच्छा क्यों लगे 7 साल? ये यही आत्मा। फिर वही आत्मा? आपने उनको बताया नहीं था मनोज और अदिति को? जी उन्हें बताता तो वो भाग नहीं जाते, वो बंगलो लेता ही कौन। सिमन जी आपको सच में पता नहीं था कि ये क्या चक्कर है? नहीं सर बिल्कुल नहीं। वो बंगला आपके पास आया कहां से? गवर्नमेंट ऑक्शन हुआ था, नीलामी, इसका जो पुराना मालिक था उसने टैक्स नहीं चुकाया था, इसीलिए सरकार ने नीलाम कर दिया। फिर क्या, थोड़े दिनों के बाद फिर वही आत्मा आई, मैं तो भाग ही गया। इस घर के पुराने मालिक का पता लगाना पड़ेगा। सर जो हड्डियां हमें पेड़ के नीचे से मिली थी कहीं वो उस आत्मा की तो नहीं है? डॉक्टर सालुंखे क्या आप आत्मा वात्मा में विश्वास करते हैं?
तारिका, मैं ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं करता जिसे साइंस सपोर्ट नहीं करती। मगर सर, साइंस के कुछ भाग ऐसे भी है जो इन चीजों में विश्वास करते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर तारिका, मैं किसी ऐसी चीज में विश्वास नहीं करता जिसे साइंस सपोर्ट नहीं करती। बाय द वे, तुम विश्वास करती हो? सर, मैं तो सोचती हूँ कि ऐसी कुछ चीजें हैं दुनिया में जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। वेरी स्ट्रेंज तारिका, एक फॉरेंसिक डॉक्टर होने के बावजूद तुम ये बात कर रही हो। यस डॉक्टर शारुण, क्या पता चला इस बॉडी के बारे में? बॉस, ये 20 से 30 साल की लड़की है। इसकी मौत कैसे हुई? खून। खून? किसी लंबी नुकीली चीज से इस पर वार किया गया। एक मिनट, देखो मैं बताता हूं। कोई लंबी नुकीली चीज इसकी छाती को पार करती हुई ये पीठ में से निकल गई। ये कुछ और बता सकते हैं सारों के साथ, जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये लड़की है कौन? अभिजीत, इसके स्कल पर जो कुछ भी बचा है उसकी मदद से मैं क्ले से एक फेस रिक्रिएशन करने की कोशिश करता हूँ। उसी कोई जरूरत नहीं सर, शायद ये है वो लड़की। इसका नाम सुनैना है, ये एक एक्ट्रेस थी, कुछ 20 साल पहले ही अचानक गायब हो गई और वो बंगलो इसी के नाम पे था। कोई फैमिली वगैरह? नहीं सर, कोई भी नहीं। मतलब ये हड्डियां सुनैना की है, मगर इसको कंफर्म करने के लिए हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जो सुनैना के साथ काम करते थे। आपके प्रोड्यूसर साहब से मिलिए। आइए। एक्सक्यूज मी सर, सीढ़ी वाला है। हम वो हीरोइन सुनैना के बारे में आपसे कुछ पूछने आए हैं। नफरत करता हूं मैं इस नाम सुनैना से। इस नाम की कोई भी लड़की मेरे सामने आती है तो मैं उसे 2 सेकेंड के लिए भी अपने सामने खड़ा नहीं होने देता। थोड़ा लकी था मैं कि आज भी हम लोग फिल्में बना रहे हैं, वरना उस सुनैना ने तो हमें बर्बाद करने का पूरा प्लान कर लिया था। ऐसा किया क्या था सुनैना ने? वो तो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। इसी बात का तो रोना है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो, मगर उससे भी बड़ी चोर थी। क्या किया क्या उसने? तलवार चोरी करके भाग गई वो, और कहां गई आज तक किसी को भी पता नहीं चला। तलवार? ये भी कोई चुराने की चीज है? जब आप लोग उस तलवार को देखेंगे ना, तब आप लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे डैडी एक प्राइवेट म्यूजियम से उस तलवार को उधार लेकर आए थे। 500 साल पुरानी तलवार थी वो, 500 साल। पर इतनी पुरानी तलवार यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? मेरे डैडी का नाम सुना है आपने? सुना है, मिस्टर धीरेन कुमार। जी, धीरेन कुमार एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे थे, पीरियोडिक फिल्म। उसमें घोड़े, हाथी, राजे, महाराजे, महल, सब कुछ था। रानी के पास एक तलवार थी, उस तलवार को ऐसा होना चाहिए था कि पूरी दुनिया उसे देखती रहे, इसीलिए मेरे डैडी उसे वहां से उधार लेकर आए। तो वही तलवार लेके भाग गई वो फिल्म की हीरोइन। उसने फिल्म तो की नहीं, हमारे पैसे भी नहीं लौटाए, और हाँ, उस तलवार को भी नहीं। हम इस सुनैना को ढूंढ रहे हैं। भाग गई? जी हाँ, आपकी मदद चाहिए। मदद क्या, मैं खुद चलता हूँ आपके साथ। उस फिल्म के सेट पे जितने भी लोग काम करते थे, जैसे मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, असिस्टेंट, उन सबके नाम और एड्रेस चाहिए मुझे। कहिए जी। हम लोग सीआईडी से हैं। किमी जी यही रहती है ना? वो एक्ट्रेस सुनैना की फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं। जी, यही रहती हैं। हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि आपको उनसे बात करके कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, वो कुछ बोल नहीं सकती? आप खुद ही आकर देख लीजिए ना। आइए आइए। वो देखिए, इन्हें अल्जाइमर की बीमारी है। अल्जाइमर की बीमारी? मतलब इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता? जी नहीं। हाँ, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ? देखिए। किमी जी, कौन हो तुम? जी, मैं कावेरी, एक सीआईडी ऑफिसर। मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने कहा था ना आपसे, कोशिश करना बेकार है। चलो कावेरी, ये सब सही कह रहे हैं। वैसे आपका नाम?
मेरा नाम आनंद है, मैं इस घर की और किमी जी की देखभाल करता हूँ। थैंक यू आनंद जी, थैंक्स। ओके। जी सामा पास में ही रहते हैं। आनंद जी, ये फोटो में जो लड़की है, ये किमी जी की कोई रिश्तेदार है? ये अनीता है, किमी जी की बेटी। ये अनीता किमी जी की बेटी है? जी, क्यों? नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वही मैं भी सोच रहा हूँ, ये अनीता किमी जी की बेटी सुनैना के बंगले के बगल वाले घर में रहती है, एकदम पड़ोस में, ये कैसे हो गया? हाँ, किमी मेरी ही माँ है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि बात निकली ही नहीं, और अगर आप पूछते तो मैं जरूर बताती, मगर मगर किमी मेरी माँ है, इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। मगर क्यों सर? क्यों? 20 साल पहले जब सुनैना गायब हुई, तब तुम्हारी माँ किमी सुनैना के साथ काम करती थी, उसकी फैशन डिजाइनर थी वो। जी। और 20 साल बाद सुनैना की हड्डियां वहीं पर मिली, उसी घर में जहां पर वो बेचारी रहा करती थी। और 20 साल बाद किमी की बेटी उसी घर के बगल में रहने लगी। क्यों? उसे कोई दूसरा घर नहीं मिला रहने के लिए? अगर ये तो वो तो कुछ नहीं समझी। सुनैना के खून के साथ तुम्हारी माँ का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। मतलब भीरी मम्मी ने? हाँ, हो सकता है तुम्हारी माँ ने सुनैना का खून किया है या फिर किसी से करवाया है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा ही हुआ है। खून चाहे 20 साल पहले हुआ हो, खूनी जल्दी पकड़ा जाएगा। और ये आत्मा आखिर है क्या, ये भी पता चल जाएगा। बोलो सच क्या है? अभी ने सब कुछ सच बता दो अनीता, आधा इन्हें पता चल चुका है, बाकी भी पता चल जाएगा। पानी ला के दूं या कुछ और चाहिए? हाँ, आप आगे मत बढ़िए, मैं बताती हूँ। हमें सच में उन हड्डियों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उस घर में हम ऐसी एक चीज के बारे में जानते हैं जिसके बारे में और कोई नहीं जानता। क्या है वो चीज? खजाना। खजाना? सुना फ्रेडरिक्स, खजाना। सर, बचपन में मैंने खजाने के बारे में सुना था, जरा दिखाइए तो सही, खजाना कैसे होता है? इन्हें खजाना देखना है, दिखाइए। हम खुद ढूंढ रहे हैं खजाने को। मेरी मम्मी ने कहा था कि पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ होगा। कब बताया था? बहुत साल पहले, अब तो उन्हें अपना नाम तक नहीं मालूम। सर, पेड़ के आसपास हमें हड्डियां मिली थी, कहीं इसी खजाने की तो बात नहीं कर रही इनकी माँ जी? नहीं नहीं, वो हड्डियों की बात नहीं कर रही थी, खजाना है। मैं रोज रात चुपके से खजाना ढूंढने जाती थी। ओ हो 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 हो, अच्छा, तो आप हैं वो आत्मा? जी, मैं ही हूँ। दिन में सबको पता चल जाएगा, इसलिए मैं रात को खजाना ढूंढने जाती थी, पर मुझे क्या पता था कि वो बच्चा मुझे देख लेगा। देखा फ्रेडरिक्स, ये है तुम्हारी आत्मा। ये खजाना अभी भी वही है? हाँ, वहीं होना चाहिए, हमें तो नहीं मिला। रेडी, चलो फिर से वहीं चलते हैं। ये किमी किसी खजाने के बारे में बात कर रही थी। सर, हम तो यहाँ पहले ही खुदाई कर चुके हैं, और यहाँ कोई ऐसी चीज मिली तो नहीं है जिससे ये पता चल सके कि यहाँ कोई खजाना छुपा हो सकता है। मगर किमी ने अनीता को बताया तो था खजाने के बारे में, और वो यहाँ आती भी थी बार बार ढूंढने के लिए, आत्मा बन के। अभिजीत, मुझे तो लगता है ये किमी हमें इन हड्डियों के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकल गया। सर, हाँ, कहीं वो खजाना इस पेड़ पर तो नहीं है? हो सकता है। फ्रेडरिक्स, जरा चढ़ के देखो। मैं? सर, इस पेड़ पे? हाँ। सर, वो आत्मा यही कहीं गई थी, इस पेड़ के अंदर गई थी सर। तो सर, वो अभी भी पेड़ के अंदर होगी सर। और तो बात करो उससे। बात? सर प्लीज, मैं थोड़ा दूरी खड़ा रहता हूँ सर। ठीक है ठीक है, दया देखो जरा चढ़ कर।
संभाल के सर, संभाल के सर, पेड़ बड़ा खतरनाक है सर। सर यहाँ एक छेद जैसा कुछ है, देखो जरा अंदर क्या है। संभाल के देखो अंदर कोई सांप वाप ना हो। सर अंदर कुछ है, अंदर कुछ है। ये है खजाना, पुरानी तलवार। हो 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 ओए साणुखे, ये हु क्या किए जा रहे हो? ऐसे भी साहब दो चीजें छुपाए नहीं छुपती हैं। भैया ये अपना ध्यान अपने पास ही रखो, समझे? मैं बता रहा हूं आपको, दो चीजें छुपाए नहीं छुपती हैं। अब बता भी दो वो है क्या चीज। इश्क और खून। इश्क? ऐसे बोले जा रहे जैसे इश्क पे मास्टर है। ओए कभी इश्क किया है? बस इस बात को मत छेड़ो तुम, ठीक नहीं है। पकड़े गए ना? अरे क्या पकड़े गए यार, तुम तो एक बात को लेकर के लिपट ही जाते हो। मैंने इश्क किया है नहीं या मैं इश्क में फेल हो गया हूं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से कि दो चीजें छुपाए नहीं छुपती हैं, इश्क और खून। सर तलवार पे खून है? यस सर, तलवार पर खून है। तलवार की नोक के 5 इंच नीचे कुछ लगा हुआ है। वेट अ मोमेंट डॉक्टर तारिका। ये देखिए, बीस साल से तलवार वहां छुपी पड़ी है लेकिन खून वैसा का वैसा है। खून ही है वाकई? हाँ, इस खून पर कुछ जर्म्स रहे होंगे। जर्म्स के हट जाने के बाद जो बचा हुआ खून था वो सूख गया। सूख कर गिर जाना चाहिए था मगर गिरा नहीं, वहीं की वहीं लगा रह गया। मतलब खूनी का बैड लग है सर। कितनी अच्छी तलवार है, कम से कम 400-500 साल पुरानी होगी। सर ये वही तलवार होगी जिससे सुनैना ने चुराया था? जिस तलवार को चुराया उसी से खून? यस सर, मैं सुनैना के जख्म को इस तलवार के साथ मैच करके देखता हूँ। हो सकता है सुनैना का खून इसी तलवार ने किया। वेट अ मोमेंट। यस बॉस, सुनैना का खून इसी तलवार से किया गया है। सर किमी को मालूम था कि यह तलवार पेड़ में छुपा के रखी गई है, तो हो सकता है कि सुनैना का खून इस किमी ने ही किया। पुणे चलकर किमी से ही पूछते हैं। किमी जी देखिए, हम CID से हैं, मैं इसे भी प्रद्युमन। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने आपसे कहा ना कि इन्हें अल्जाइमर्स डिजीज है, इन्हें कुछ याद नहीं और अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। देखो अनीता, हम जानते हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है लेकिन अगर इन्होंने हमें थोड़ा भी बता दिया तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। देखिए आप प्लीज प्लीज इन्हें तंग मत कीजिए। कौन हो तुम? माँ मैं हूँ आपकी बेटी अनीता। अनीता ये कौन है? देखा आप लोगों ने, इन्हें अपनी बेटी तक याद नहीं है तो फिर इतने साल पहले क्या हुआ, इन्हें कैसे याद आएगा? देखिए अनीता जी, हमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि सुनैना का खून किसने किया है। क्या नाम बताया आपने? सुनैना जी। सुनैना बहुत खूबसूरत थी वो। हाँ वाकई सुनैना बहुत खूबसूरत थी। आपने सुनैना को आखिरी बार कब देखा था? ले वो तलवार लेकर आओ जल्दी। क्या आप लोगों को वो खजाना मिल गया है? चल आ रहे।
किमी जी, तलवार को देखिए, देखिए, क्या इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? आप प्लीज ले जाइए इसे, देखिए ना क्या हो रहा है। मम्मी, मम्मी क्या हो रहा है आपको? प्लीज, आप हमें अपना काम करने दीजिए। किमी जी, क्या आपने सुनैना का खून किया है? क्या इस तलवार को पाने के लिए आपने सुनैना को मारा है? बताइए किमी जी। सर, हाँ दया। सर, इस किमी जी ने कन्फेस तो कर लिया है कि उन्होंने ही सुनैना को मारा है, पर उसे ये बात अभी अचानक कैसे याद आ गई? उसे तो अल्जाइमर्स की बीमारी है, और मैंने कभी सुना नहीं है कि अल्जाइमर वाले किसी मरीज को कभी कोई बात याद आई हो। ये बात तो है, और एक बात मुझे खटक रही है दया, कि मैं सुनैना का खून करके पुणे की तरफ भागी और वहां जाकर वो छुप कर अपने बेटी के साथ रहने लगी। हाँ सर। अब जिस चीज के लिए उसने सुनैना का खून किया, वो चीज वो यहाँ छोड़कर कैसे गई? मतलब सर, वो तलवार? एग्जैक्टली, वो तलवार उस पेड़ के अंदर छोड़ कर ही क्यों गई? हाँ सर, ये बात तो है, शायद घबराहट के मारे वो तलवार ले जाना भूल गई होगी। ऐसे हो ही नहीं सकता लावण्या, जिस तलवार के लिए उसने सुनैना का खून किया, उस तलवार को वो भूलकर जा ही कैसे सकती है? कुछ तो है। सरंगे, यहाँ पर टेंशन कम है इसलिए अब इसका फोन। हाँ सरंगे, ये देख, अच्छी खबर सुना दे, समझे? नहीं नहीं, तू ही याद करके बता ना, इतने सालों में तूने मुझे कभी अच्छी खबर सुनाई है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। क्या? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। तरुण के, तरुण के। सर, वो आज कुछ बोलने वाले नहीं है। वो आज कुछ बोलने वाला नहीं है? क्यों? क्या मौन व्रत है उसका, या किए हुए पापों का प्रायश्चित करा जा रहा है? सर, वो आज नहीं बोलेंगे। वो आज नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? सरंगे, अगर तुम बोलना नहीं चाहते तो फिर फोन क्यों किया? जो पूछना है तारिका से पूछो। सैनी से पूछ लेते हैं। क्या हुआ तारिका? सर, वो ये अरे क्या वो लगा रखा है? ये तो वो क्या के बड़ी नहीं रही है। सर, आगे बढ़ेगी अगर हम बोलने देंगे तो। क्या हुआ बोलो? सर, सारा का सारा केस उल्टा हो गया है। केस उल्टा हो गया मतलब? सर, जो हड्डियां आपको मिली है वो सुनैना की नहीं है। वो हड्डियां सुनैना की नहीं है? ओ, तो इसीलिए उधर मुंह छुपा के बैठा ही है दया। इसे मालूम है इसने गलती की है। Excuse me. क्या कहा आपने? क्या कहा? मैंने गलती की है? क्या गलती की है मैंने? मैंने कहा था वो मुर्दा सुनैना का है? हमने कहा बस, ठीक है ना? आओ बताता हूं। ये देखो, ये फोटो सुनैना की है, राइट? और ये देखो, ये मैंने मुर्दे की खोपड़ी पर एक और लड़की का चेहरा बना करके मैच करने की कोशिश की थी साइंस के हिसाब से। ये देखो, ये वो लड़की है जिसकी मौत हुई है। हाँ, मैंने सुनैना का चेहरा और इस लड़की का चेहरा एक के ऊपर एक रख करके मैच करके देखा, क्या रिजल्ट आया आप लोग भी देखिए। ये देखिए, ये इस लड़की का माथा फोरहेड चौड़ा है, जबकि सुनैना का माथा पतला था। और ये देखिए, दोनों की जॉ लाइन भी मैच नहीं कर रही, सब कुछ अलग अलग है। तो फिर अगर ये सुनैना नहीं है तो फिर खून किसका हुआ है? एक और बात है सर। रेडी, मजाक का टाइम नहीं। आपको मजाक लगता है? मेरी टांगे कांप रही है सर। क्या हुआ सर? सर, अगर ये लाश सुनैना की नहीं है तो वह आत्मा भी सुनैना की नहीं है सर। हाँ सर। तो सर, वो आत्मा बदल गई है सर, वो आत्मा इस लड़की की है। तो फिर ये लड़की कौन है? आत्मा से ही पूछना पड़ेगा। ये कौन पूछेगा? तुम? लावण्य पूछेगी। मैं क्यों सर? सर, हमें जल्दी इस सुनैना को ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है जरूर किमी इसके बारे में सब कुछ जानती है। कावेरी किमी के साथ है, उसे कहो वो वहीं रहे। माय गॉड, मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। कावेरी, किसने मारा इसे? सर, किमी ने मारा होगा सर। किमी कैसे मार सकते हैं फ्रेडी? देखो किमी कहां पर है, ढूंढो घर में।
सर, किमी कमरे में नहीं है सर। सर यहाँ भी कोई नहीं है, और सर ये आनंद भी गायब है। मतलब दोनों भी गायब है, कहीं ये भाग तो नहीं गए? कावेरी किसने किया ये? सर मुझे पीछे से सर पे किसी ने मारा, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये किमी और आनंद आपस में मिले हुए तो नहीं? अनिता इन दोनों के फोटोग्राफ्स हैं तुम्हारे पास? हाँ सर, मैं अभी उनके फोटोज लेकर आती हूँ। ला। सर ये रहे आनंद और मम्मी के फोटो। आनंद माय गॉड, क्या हुआ सर? देख जरा सुनैना का फोटो देना तो। ध्यान से देखो दया, किमी के बाएं कान के पास में एक तिल है, और ये देखो सुनैना के भी बाएं कान के पास में एक तिल है। ओ माय गॉड, मतलब जो हड्डियां हमें पेड़ के पास मिली थी वो सुनैना की नहीं किमी की थी? ये क्या कह रहे हैं आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनैना ही है जो किमी बनकर रह रही है। आप लोगों का मतलब है इतने सालों से मैं जिसे अपनी माँ समझती आ रही हूँ वो मेरी माँ है ही नहीं? Oh my God, I can't believe this. सर मुझे लगता है कि सुनैना और आनंद ने मिलकर ही किमी का खून किया होगा। कावेरी तुमने कहा था ये सब आधे घंटे पहले हुआ है ना? जी सर। दया ये दोनों ज्यादा दूर नहीं जा सकते, सुनैना व्हील चेयर पर है। मगर सर व्हील चेयर को गाड़ी में भी घुसाया जा सकता है। मगर आनंद को गाड़ी चलाना नहीं आता। आनंद गाड़ी नहीं चलाता, इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। कहाँ पर जा सकते, कुछ बता सकती हो? सर यहाँ पास में एक पहाड़ी है, सनसेट पॉइंट। आनंद अक्सर मम्मी को वॉक्स के लिए वहां ले जाया करते हैं। सनसेट पॉइंट, सुनैना इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था? थोड़ी देर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। ले जल्दी करो, देखो हमसे भाग नहीं ना पाए। सर वो तो चल भी नहीं सकती थी। हाँ वो तो सारा ढोंग था हमें भटकाने के लिए। सीआईडी वाले तुम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं उन्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ठीक है ना? सुनैना का सिक्योरिटी था जब वो एक्टिंग किया करती थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत। लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, उसे तो बस पैसों से प्यार था। इसीलिए इसने वो कीमती पुरानी तलवार चुराई। हाँ तुमने भी तलवार चुराने में मदद की थी। मैंने ही तलवार चुराने में
उसकी मदद की थी। क्यों? मैंने सोचा था कि किसकी मदद करके मैं इसका विश्वास जीत लूंगा, मगर शायद चोरी करने में हम कामयाब तो हो गए, पर किम्मी ने हमें देख लिया। सुनैना, मैं पुणे जा रही हूँ, तुम्हें बाय बोलने के लिए आई हूँ। पर किम्मी, तुम पुणे क्यों जा रही हो? क्या करूँ, इस शहर से मेरे पति की काफी यादें जुड़ी हुई हैं। पुणे में मुझे कोई नहीं जानता। मेरे और मेरी बच्ची की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। बाय। या बाय, टेक केयर। ये तलवार, ये तो वही तलवार है जो खो गई थी। अच्छा, ये वही है? हाँ, ये वही तलवार है। किमी, तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। तुम दोनों ने तलवार चुराई है, राइट? इस तलवार की वजह से शूटिंग रुकी हुई है, कहीं फिल्म बंद ना हो जाए। किमी, तुम अपना काम करो, जाओ। मैं अभी जाके प्रोड्यूसर साहब को सब कुछ बता। वो बहुत घबरा गई। मैंने उसको कहा कि वो किम्मी की बच्ची को लेकर पुणे चली जाए। फिर वो पुणे चली गई और वहां किम्मी बनकर रहने लगी। किसका घर था वो? किसका घर था वो? किम्मी का। पुणे जाकर किम्मी के ही फ्लैट में किम्मी बनकर रहने लगी। सुनैने के पुणे जाने के बाद मैंने वो तलवार एक पेड़ के अंदर छुपा दी और फिर मैं भी पुणे चला गया और उसके साथ रहने लगा। किमी के खून के जुर्म में तुम्हें फांसी होगी या फिर आजीवन कारावास, और इन्हें तो ऊपर वाले ने पहले ही सजा दे दी है। इतने सालों से मैं अपनी मम्मी के खूनियों के साथ रहती रही, अब तो मुझे सोच के ही कपकपी आती है। अनिता, अगर तुम्हारी चीख सुनकर फ्रेडरिक्स उस पेड़ के पास नहीं जाता तो शायद आज ये दोनों पकड़े नहीं जाते। चीख? मगर कौन सी चीख की बात कर रहे हैं आप? जिस रात फ्रेडी तुम्हारे पीछे पीछे बाहर आया था। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उस रात तो मैं बंगले के बाहर निकली ही नहीं थी। जब मुझे पता चला कि उस रात उस बंगले में आप लोग ठहरे हुए हैं, तो फिर मैं उस पेड़ के पास गई नहीं थी। तो फिर वो कौन थी जिसे फ्रेडरिक्स बात कर रहा था? पता नहीं सर, मगर मैं तो नहीं थी। तो फिर वो चीख किसकी थी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.